हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो सभी आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे सेफ होगे। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश, जो आपको 21 का पेपर है, उसमें 16 मार्क्स के लिए आपको राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आ रहा है। सर राइटिंग स्किल मतलब हम लोग को आता है, हम लोग ने 10th में किए थे। नहीं डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको 16 मार्क्स चाहिए, डेफिनेटली बोल रहा हूँ ये जो वीडियो देखेगा वो बच्चा इंग्लिश में फेल नहीं होगा, बिकॉज 16 में से अगर आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं अगर 12 मार्क्स भी मिलता है तो इंग्लिश में आप आराम से पास हो जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं और भी तो पेपर आप अटेंड करने वाले हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर राइटिंग स्किल में ऑप्शन क्या है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे आपको एग्जाम में क्या लिखना चाहिए विथ वन एग्जाम्पल। मैं आप लोगों के साथ में इसी क्वेश्चन इसी वीडियो में हर जितने भी राइटिंग स्किल है सभी का आपको एक एक एग्जाम्पल भी देते जाऊँगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। एचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के अगर आप स्टूडेंट हो तो पहले सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अब ये वीडियो आप कब देख रहे मुझे नहीं पता, एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे, एग्जाम के एक घंटे पहले देख रहे, एग्जाम के एक महीने पहले देख रहे, दो महीने पहले देख रहे, आई डोंट नो। बट मुझे इतना पता है जो भी वीडियो देखेगा 101% वो पास होगा। ठीक है, 16 मार्क्स की राइटिंग स्किल है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई भी एक लिखना रहेगा 4 मार्क्स के लिए। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, खाली पहला सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4B होगा, अगेन तीन क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी एक लिखना है। देखो इस बार कितना अच्छा, आपको पहले से बता देगा कि किसके ऑप्शन में क्या आने वाला है, इसका सेम है, चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4C तीन क्वेश्चन आएंगे, कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन नंबर डी में भी आपको तीन क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब तीन क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं और क्या लिखना चाहिए, इजी क्या रहता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4A जो पहला क्वेश्चन होगा, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। सर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ये तीन क्वेश्चन आने वाले हैं और तीनों में से कोई भी आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और वही लिखना है। तीनों की प्रैक्टिस करके जाना मतलब आपकी समय की बर्बादी, बिकॉज अब आपके पास में इतना समय नहीं है, तीनों चीज़ करना है। एक पे फोकस करो, करना क्या, तीनों के क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, पहला अभी से ही पढ़ लो, फिर एग्जाम में उसी पे फोकस करो। पहला समझो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज होता क्या है, इसके आंसर कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के ना मेरे 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, डेफिनेटली अगर वो वीडियो देखते हो तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको समझ में आ जाएगा। तो भी मैं आपको बताया था इसी वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिखा है, इमेजिन यू आर द रमेश, यू आर रिक्वायर्ड टू पुणे पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल चेस कंपटीशन एंड हैंस यू वॉन्ट एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट, ड्राफ्ट ए वर्चुअल मैसेज ऑफ फ्रेंड संकेत अबाउट 50 to 70 एक्सकीम हिम टू कन्वे द रीजन फॉर योर एबसेंट। मतलब आप कहीं पर जा रहे हो कुछ खेलने के लिए और अपने दोस्त को बताना है कि तू टीचर को इन्फॉर्म कर देना, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दो, कितना सिंपल वे में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, अब आंसर 14th नवंबर, ये आपको अपने मर्जी से लिखना है। फॉर्मेट ना ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, देखना बहुत अच्छे से। हाय संकेत, वो मैसेज किसको दे रहा, संकेत को बोल रहा है, क्या बोला था वो, आई हैव टू गो टू द पुणे राइट नाउ टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कंपटीशन, आई गॉट दिस न्यूज़ जस्ट एंड, मतलब ये न्यूज़ मुझे एक घंटे पहले ही पता चली कि मुझे पुणे जाना है चेस कंपटीशन के लिए नेशनल लेवल पे। आई विल रिटर्न ओनली आफ्टर 2 डेज, मैं रिटर्न आ जाऊँगा ना 2 दिन में, हैंस आई विल मिस द इंग्लिश क्लास टुमारो, मतलब जो कल का टेस्ट होने वाला है वो मिस कर दूंगा मैं। कैन यू टेल द चेतरजी मैम द रीज़न ऑफ माई एब्सेंस, मतलब क्या तो वो टीचर को बता देगा मेरा रीज़न, मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। टेल हर आई एम सॉरी, उनको और बताना मैं क्षमा चाहता हूँ। आई विल आंसर द टेस्ट लेटर ऑन इफ नेसेसरी, तो मैं आंसर लिख दूंगा अगर उसको बहुत ज़रूरी रहेगा टेस्ट तो। थैंक्स, बस कितना लिखना, मोस्टली अगर आप पेपर में लिखोगे तो मोस्टली आपके पेपर में 7 लाइन का ये आंसर है। इसमें रट्टा क्या होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में क्या लिखना है, डेट और किसको लिख रहे वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो पता चल गया तो आप लिख सकते हो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। डन, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का मतलब समझ में आ गया। ये पूरा जितने भी इसके PDF है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है,
ये तो हो गया ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देखते हैं, उसको बोला क्या जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन सीकिंग एडमिशन टू यूनिवर्सिटी। मतलब हम लोग ना कहीं पर एक एडमिशन ले रहे हैं वैसा कुछ बताना है। इट इज़ अ ब्रीफ इज ए डिस्क्राइबिंग योर पर्सन यू आर गोल। मतलब सामने वाले को अपने बारे में पूरा बताना, स्टेटमेंट देना, बोलते ना स्टेटमेंट दो करके वैसा। अब एक क्वेश्चन देखते तो आपको पता चल जाएगा। यू हैव ए स्पेशल इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब मालूम है जो प्रेस वाले होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, राइट। यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द डिग्री कोर्सेज इन मास कम्युनिकेशन इन द वर्क इन द फ्यूचर स्पेशल इन द फील्ड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग। मतलब जो मर्डरेटर करते हैं, क्राइम जो करते हैं, उसका आपको रिपोर्टिंग करना है। यू हैव टू हियर अबाउट द रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उसके बारे में आपने क्या सुने वो बताना है। अब इसका आंसर तो कैसा लिखना है आपको, एकदम सिंपल है। प्रिपेयर स्टेटमेंट पर्पस अबाउट द 150 वर्ड टू गेट द एडमिशन। मतलब वो कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है क्या लिखोगे। नो फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, स्टार्ट लिखा रहा है। देखो मैं अभी ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। राइटिंग इज माई इन माई ब्लड, मतलब लिखना मेरे खून में है। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो राइटर। मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी क्या थे, राइटर थे। आई कैन थिंक ऑफ नो अदर करियर एक्सपेक्ट, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि राइटिंग के अलावा कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं। विथ ए स्पेशल इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट किस में है, जर्नलिज्म में। कमिंग फ्रॉम द फैमिली पैशनेट अबाउट द फील्ड एज अ सर्टेन लेडी, मतलब वो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बताने पड़ रहा है कि भाई मैं ये। और आजकल के तो बच्चे लोग को बोलना पड़ता है भाई ले 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 एडमिशन ले ले। आई लिटरली ग्रो अप सराउंडेड बाय द बुक्स एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। ना जो मेरा बचपना जो बड़ा हुआ ना अभी तक, आजू बाजू में बुक ही घूमी है और कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही हूँ। इट वुड बी नॉट ए बूस्ट टू से डैट आई लर्न टू राइट एवन, मतलब मुझे कोई बताता नहीं कि कर कर, खुद से ही मैं कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर आई हैव डन लॉट्स ऑफ राइटिंग ओवर द लोकल, मतलब जो लोकल के न्यूज़ पेपर थे ना उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने लिखा हुआ हूँ। आई वॉज एट द रिपोर्ट ऑन द स्पॉट ऑफ फॉर द न्यूज़ अबाउट द कॉलेज एक्टिविटी, मतलब मैं वहाँ पे जब भी कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज होती थी इंटरव्यू लेने चले जाता था। आई ऑल्सो एडिटेड अवर कॉलेज न्यूज़ लेटर, मतलब जो कॉलेज की न्यूज़ होती थी वो भी एडिट करता था। आई वर्क एज अ इंटर्न इन द प्रूफ रीडर फॉर द न्यूज़ मैगजीन, मतलब न्यूज़ मैगजीन में जो बाद में पढ़ा जाता वो सब भी। मतलब मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप कैंसिल कर दो, मत लिखो, सोचो भी मत। बहुत लेंथी आपको लिखना पड़ेगा तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, देखो मैं बताने जा रहा था कि आपको क्या क्या लिखना है। अब एक आप ग्रुप डिस्कशन कैसा करना है वो भी देखो। जिसका आंसर शॉर्ट होगा और इजी होगा वो लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो भी मैं इसका पूरा आपको क्या कर रहा हूँ, इसका पूरा शो कर रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन और ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल डिस्कशन। फॉर्मल मतलब एक अच्छे लेवल पे, मतलब जहाँ पे हम लोग एक बिजनेस की बातें कर सकते हैं, तो वो लेवल का हमारा क्या होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। पार्टिसिपेट एनालाइज द टॉपिक एंड गिव, मतलब आपको ना क्वेश्चन दिया रहेगा। हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2023 में क्या आया था। इमेजिन यूर सेल्फ एज अ पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप डिस्कशन अरेंज बाय एनजीओ वर्किंग प्रमोट स्वदेशी, मतलब आप एक ग्रुप डिस्कशन में अपॉइंटमेंट आप एज अ सेलेक्ट हुए हो और वहाँ पे आपको कुछ बोलना है। टॉपिक क्या है, ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन, जो पुराने जमाने का खाना था, आजकल मैगी वैगी नहीं, पुराने जमाने जो रोटी वोटी होती थी। कंपेयर टू द जंक फूड, मतलब वड़ा पाव देन आप जो हम भी खाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा मैं नहीं खाता हूँ, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब जंक फूड है। देयर आर टू मोर पार्टिसिपेंट, और भी लोग हैं एंड एविलेटेड टू शेयर देयर व्यूज। प्रिपेयर द सेट, मतलब डायलॉग क्या क्या होना चाहिए वो बताना है। सबसे पहले आंसर की शुरुआत कैसे लिखेगा आपको शो होता होगा। एलिवेटर, यू हैव बीन गिवन द फ्यू, मतलब अब जो जज बैठे वो क्या बोलेंगे, आपको समय दिया गया है फ्यू मिनट्स, थिंक अबाउट द टॉपिक, मतलब आपको एक टॉपिक दिया हुआ है ट्रेडिशनल फूड, पूरा क्वेश्चन में से लिखना है। यू मेड मतलब अब स्टार्ट, एवेलेटर मतलब जो आपको जज करने वाला है, अब आपको एक टॉपिक दे दिया उसने, ये आंसर की शुरुआत है, डन, देखा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते, अब 2-3 लोग थे ना, आरव, इन माई ओपिनियन दैट इज अ वेरी ट्रू, जंक फूड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ योर सॉल्ट शुगर फैट एम्प्टी कैलोरीज, इट लीड द ऑबेसिटी एंड वन द मोर ऑबेसिटी इंजर। देखो वो बोल रहा है आजकल के जो जंक फूड है ना उसमें सॉल्ट नमक इमक सब ज़्यादा होता है, एट द एंड पेट ऑबेसिटी आ जाती है, ऑबेसिटी मतलब मोटापा। ऐसा किसने बोला आरव, तुमको जो नाम लिखना लिखो ना, डन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि ग्रुप डिस्कशन में मैं भी तो आऊँगा, 3 लोग हैं ना,
नाइस सर, आई एग्री विथ आरव, मैं एग्री हूँ आरव से। चिल्ड्रन इन द टीनेजर मस्ट चेंज देयर फूड हैबिट्स एंड द रिसोर्ट टू मोर हेल्दी, मतलब इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। अवर ट्रेडिशन ऑफर द वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे जो पुराने जमाने के खाने थे उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन फूड थे विच हैज़ बीन टायर्ड इन द टेस्ट बाय द मैनी जनरेशन ऑफ द, मतलब जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है और अच्छा टेस्टी भी था। रचना क्या बोलती, तीन लोगों, देखो दो लोग ऑलरेडी थे और एक तीसरे तुम, तो पहला आरव का हो गया, देन यूर सेल्फ हो गया, देन रचना। अवर ट्रेडिशनल होममेड फूड इज़ अ बैलेंस मिक्स एंड द सूटेड अवर वेदर, देखो नॉर्मली हम लोग के घर पर जो भी खाना बनता है ना वो ना, जैसे ठंडे में कुछ अलग डिशेज बनती है, गर्मी में कुछ, तो उसको देख के ठीक है। वी शुड नॉट ब्लाइंडली इग्नोर दिस गुड थिंग एंड रन आफ्टर, मतलब हमें आंखें बंद करके इसको नहीं भूलना है और जंक फूड की तरफ भागना नहीं है। विच हैविली एडवर्टाइज, मतलब दो ज़्यादा करके एडवर्टाइज किसका आ रहा है, अच्छी चीज़ों का नहीं आता, पता है जो चीज़ अच्छी होती है उसका एडवर्टाइज नहीं होता है, जंक फूड के ज़्यादा एडवर्टाइज होते तो उसके पीछे हमें नहीं भागना है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ माई सेल्फ, यस टूडे वी हैव कम टू गन अवेलेबल गुडनेस ट्रेडिशनल स्टफ लाइक ए माइलेट्स लोकेलिटी ग्रोन वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स लोकल ऑयल्स एंड द ट्रेडिशनल रेसिपी, ये सब के बारे में बताना है। आ रहा होता है यस आई एग्री विथ नॉट गेट स्वेड बाय द वेस्टर्न आइडियाज एंड फूड हैबिट विच आर नोन द हार्मफुल, हमारे लिए ये सब चीज़ें क्या है हार्मफुल। अब इवेलेटर क्या बोल रहा है, प्लीज कंक्लूड, मतलब एक लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन देना है, वो रचना दे रही है। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट द चिल्ड्रन मस्ट चेंज देयर फूड हैबिट, इट इज़ अ हाई टाइम स्विच टू ट्रेडिशनल हेल्दी स्नैक्स एंड डाइट्स वी नीड टू सिटीजन, मतलब हमें लास्ट में ये बताना है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको अच्छे फूड्स खाना है जो न्यूट्रिशन देते हैं, बस हमारा यहीं पर एंड होगा बस। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स या तो वर्चुअल लिखो या तो ग्रुप, दो में से एक लिख लो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो लिखोगे। दोनों का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, इसको तो स्किप कर दो, अगर आपको तीन से चार मार्क्स चाहिए तो ये दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज और ग्रुप डिस्कशन, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है क्या करना है करके। डन स्टूडेंट्स, पक्का ये तीनों में से क्या करोगे आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस को क्या करना भूल जाओ, मत करो मेरे हिसाब से, ये दो की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब ये दो में भी अगर आपको लग रहा सर ये नहीं करना है, ये कर लो ना, ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। डन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2-4B में तुम्हारे पास में तीन ऑप्शन है, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, तीनों इजी है, कुछ भी कर लो कोई बात नहीं। तीनों का एग्जांपल दे देता हूँ, ईमेल जैसा आप लोग लिखते हो मेल, मोबाइल यूज़ कर रहे किस सर हम लोग कहाँ लिखते हैं, व्हाट्सअप तो यूज़ करते, ठीक है एक फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है वो भी एक बता दूंगा, इंटरव्यू, ये तीनों क्वेश्चन इजी, आपको जो इजी लगेगा, टॉपिक कौन सा समझ में आएगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। डन, चलो शुरू करते हैं अभी हम लोग ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग का सबसे जो मेन चीज होती है क्या लिखना है, ईमेल एड्रेस सबसे प्रॉपर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला यू आर लुकिंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन योर, आप अपने एरिया में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हो, यू इनिशियली नीड 20 PC, आपको 20 PC पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत है, प्रिपेयर और ड्राफ्ट ईमेल टू सिटी डीलर, मतलब जो आपके एरिया के डीलर हो गए जो कंप्यूटर कंप्यूटर डिमांडिंग ए मॉडरेट कोटेशन, मतलब एक कोटेशन मुझे निकाल के दो, अगर मुझे 20 ये कंप्यूटर चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, मुझे अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो क्या एक कोटेशन मुझे भेजना है। टू, किसको भेज रहे हो, नाम नेम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। टू, गणेश डीलर एट द रेट small.com, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट द बल्क ऑर्डर ऑफ डेल कंप्यूटर्स, 20 कंप्यूटर्स लिखे हुए तो भी चलेगा, बल्क की दो, नॉर्मली एक या दो लोग खरीदते लेकिन यहाँ पे 20 हो गया मतलब वो बल्क हो गया, ताकि वो एक अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। अब आंसर ठीक है, दो फॉर्मेट दिखा, अब कैसा लिखना है। सर और मैडम, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द कंप्यूटर इन माई एरिया, आई हैव ऑलरेडी फाइनलाइज द ऑफिस स्पेस एंड ऑल द, मतलब ये सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी है। आई एम प्लानिंग टू बाय द 20 डेल कंप्यूटर्स फॉर माई इंस्टीट्यूट, आई वुड अप्रिशिएट इट विद योर ईमेल डिटेल कोटेशन, मतलब आप, मैं बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अपना कोटेशन दे दोगे ठीक है। रैम, स्टोरेज, वारंटी, स्क्रीन साइज, सारी चीज़ें बता देना सो आई कैन डिसाइड, दो वारंटी बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मेरी डिमांड है, आप अपने हिसाब से पूरा बता दो, सो आई कैन बी डिसाइड वुड बी रियली सुटेबल। आई वुड ऑल्सो लाइक नो इफ देर वुड बी एनी डिस्काउंट पेमेंट, अगर इंस्टॉलेशन का पॉसिबिलिटीज है डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी चीज़ भी बता दो। आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट विथ माई इनिशिएटिव, हैव टू टाइट बजट, मैं ना थोड़ा मेरा बिजनेस शुरुआत करो तो बजट है ना मेरा थोड़ा टाइट है,
आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई की जरूरत है, मतलब बहुत वेट कर रहा हूँ। योर फेथफुली ABC। अब आपका नाम आएगा 6 नाइक देवनिवास नेवरकर रोड नेहरू नगर न्यू मुंबई। ये आपको एड्रेस लिखना है। ये आपका क्या है, पूरा ईमेल का फॉर्मेट है, इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है आपको पता है, कुछ कहीं पर हादसा हुआ रहेगा उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना है। उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको लिखना क्या एग्जाम में, ठीक है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल, सबसे योर कॉलेज हैज सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस सोशल कल्चरल एक्टिविटीज बिटवीन द 39, मतलब 15 अगस्त का कुछ फंक्शन होगा तो 13 से लेके 16 अगस्त तक कुछ फंक्शंस हुए रहेंगे। इमेजिन यूर सेल्फ, आप जनरल सेक्रेटरी हो और आपके कॉलेज के ब्रीफ बताना है 150 वर्ड्स में। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी गई है, क्वेश्चन देख रहा होगा आप लोगों को, आंसर ग्रैंड 75th एनिवर्सरी सबसे पहले, ठीक है। अब कौन लिख रहा है, आदमी का नाम दे दिया था, नहीं लिखा है, लिख दो नाम अपना, शाहरुख खान जनरल सेक्रेटरी, सलमान खान, रितेश देशमुख, सचिन तेंदुलकर, जो आपको नाम लिखना लिख दो, मेरा नाम मत लिखना, ठीक है। देन फॉर्मेट समझ में आ गया, दिख रहा होगा, नागपुर एरिया का क्वेश्चन में नाम नहीं दिया, लिख दो नागपुर। देन जनवरी कौन सा डेट है, देखो जो भी फंक्शंस होगा उसके बाद में ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है, मतलब जो हुआ रहेगा 25th जनवरी को फॉर एग्जांपल हुआ तो ये उसके बाद में हुआ रहेगा। द 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड विद अ, देखो जो हो चुका है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पास्ट टेंस में लिखनी है, किस में लिखनी है, पास्ट टेंस, जो हो चुका है। 13 से लेकर 16 अगस्त तक कही थी, द 4 डे वेयर पैक्ड विद द एग्जिटिंग एक्टिविटीज, मतलब ये सारी चीज़ें बताया गया है। डे वन में क्या हुआ, डेविटीज, मतलब जो भगवान विगवान के गाने थे, देन डांसेस हुए थे, कॉर्नर्स ऑफ कंट्री ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हुए। सेकेंड डे में इम्पेसस इंटेलेक्चुअल दिमाग वाली जो क्यूज होता है उसके बारे में हुआ, ये पूरा हो गया। लास्ट में उसमें क्या लिखा हुआ है, इंडीड द डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ अवर इंडिपेंडेंस वॉज समथिंग टू बी एन्जॉयड चेरिश द स्टूडेंट सर्टेनली पुट देयर हार्ट एंड सोल इन दिस 4 डेज। उसके बाद में जो प्रिंसिपल्स मिल के नाम दिए हुए, डन। तो फॉर्मेट ईजी है, आप लोग ईमेल भी लिख सकते हो, रिपोर्ट भी लिख सकते हो। अब रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू कैसे लिखना सर वो भी बता दो। चलो अब इंटरव्यू लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है, जो प्रीवियस ईयर 2 साल पुराने जो मेरे वीडियो मत देखना, हाँ जो प्रीवियस ईयर मतलब 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने अपलोड किया था वीडियो जनवरी फरवरी मार्च, वो आप लोग देख सकते हो, वो फॉर्मेट सेम है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। कैसे लिखना मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ना आपको बॉक्स किस तरीके से बनाना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है, क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेजेंटिंग प्रोसीजर NDA नेशनल, मतलब वहाँ पे वो सेलेक्ट हो गया है। ही इज स्पेशली इन्वाइटिव मोटिवेट इंस्पायरिंग स्टूडेंट योर आपके जूनियर कॉलेज में आ रहा है और आप लोग आपको ही उसका इंटरव्यू लेना है, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे, यू टेक ए हेल्प ऑफ अ फॉलोइंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में ना ऑलरेडी बता दिया आपको क्या पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, नेम ऑफ द इंटरव्यू, सबसे पहला बॉक्स टाइप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नेम ऑफ द इंटरव्यू कौन किसका लेना आपको, एरिया कहाँ पर उसने सेलेक्ट किया है, डेट कब ले रहे हो, इंटरव्यू कितने, दो मोस्टली इंटरव्यू आधे घंटे का तो होता है, 10 मिनट का इंटरव्यू कभी भी नहीं होता है। ये 4 लाइन आपको सबसे पहला जैसा लिखा लिखना है। अब क्वेश्चन किसके ऊपर बोला था, सेम उसी के बेस पे लेना है, एक एक क्वेश्चन उठाते रहना है। नमस्ते, मैं आपसे फ्यू क्वेश्चन माय क्लासरूम एंड द क्लासमेट एंड आई वुड लुक लाइक, मतलब मुझे और मेरे क्लासमेट को जानना है आपके सक्सेस के बारे में, ठीक है। देन व्हेन डिड यू फर्स्ट डिसाइड द एनरोल द DNA, मतलब आपने कब डिसाइड किया था भाई मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। हु वेर योर आइडल्स, मतलब आपका आइडल कौन था, आपका इंस्पिरेशन कौन दे रहा था, ये तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन पता हो गए, तो इसका हम लोग और डिटेल वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट, सब इसमें से आप बता दो क्या लिखना है, आपकी इच्छा, जो लिखना लिखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, डिपेंड अपॉन, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि भाई ये लिखो, लेकिन फॉर्मेट में लिखना है, इसका फॉर्मेट है, इसका भी, तीनों को आपको फॉर्मेट एक ही या दो अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको जो टॉपिक एग्जाम में समझ में आएगा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी स्पीच में क्या रहेगा आपको पता ही ऑलरेडी, और एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू हैव टू डिलीवर स्पीच ऑन योर टॉपिक सेव अर्थ एंड द सेव लाइफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे,
जूनियर कॉलेज कहाँ दे रहे, सबसे पहले ये समझना है और कौन सा टॉपिक है ये समझना है। स्टार्ट कर रहे हैं आंसर की, ठीक है। क्वेश्चन देख रहा होगा, रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई जितेश चावड़ा शांतिलाल विश यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑल्सो विश डैट अवर मॉर्निंग फ्यूचर विल बी द गुड एंड वाई डू आई से बिकॉज ऑल दो नो अर्थ इज गोइंग अर्थ, मतलब अब उसके बारे में स्टार्ट हो गया। आपको एटलीस्ट कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना है, मतलब एटलीस्ट एक पेज का पूरा इसका आपको स्पीच देना होगा, ठीक है। स्पीच का कोई फॉर्मेट नहीं है, स्टार्टिंग में ये लिख दोगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, डन, ओके। उसके बाद में आता है कंपेयरिंग, कंपेयरिंग का देख लेते क्या फॉर्मेट होता है। अब कंपेयरिंग, इमेजिन योर स्कूल एंड कॉलेज हैज ऑरिएंटेड फॉरवर्ड फंक्शंस, स्टूडेंट अपीयरिंग एचएससी एग्जामिनेशन, हैज कंपेयर्ड ड्राफ्ट स्क्रिप्ट फॉर होल फंक्शन मेंटेनिंग। दो कंपेयरिंग करना मतलब एक फंक्शन होने लगा तो उसमें क्या क्या चले, वेलकम गेस्ट कौन होने वाला है। अब अपनों क्वेश्चन में दे दिया, सबसे पहला वेलकम गेस्ट, वेलकम में कौन होने वाला है, कैसा क्या होने वाला है उसके बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन में कौन आके बताने वाला है, ये सारी चीज़ें। फेलिसिटेशन किसका होने वाला है, इंपॉर्टेंट स्पीच, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा हमको, बस उसके बारे में थोड़ा सा दो दो तीन तीन लाइन लिखना रहेगा। कंक्लूडिंग लास्ट में आता है वोट फॉर थैंक्स, तो ये भी इजी है। अब कंपेंशन, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, आपको ये एक समझो एक कंपोजिशन है, आपने जो पहली से लेके दसवीं तक जो करके आए हो वही है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो स्पीच लिख दो या तो फिर कंपेयरिंग लिख दो, एक्सपांशन ऑफ आइडिया मत लिखो, उसमें इतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। डन, कोई डाउट है इसमें, यहाँ पर आप लोग दोनों में से एक चॉइस कर सकते हो जो आपको लिखना है। लास्ट रिव्यू, रिव्यू में दो रिव्यू आती है, एक आता है फिल्म रिव्यू, एक होता है बुक रिव्यू। मतलब आपको एक खाली क्वेश्चन दिया रहेगा, देख लेते हैं वो भी क्वेश्चन कैसा दिया रहता है रिव्यू का। ड्राफ्टिंग ए रिव्यू, ड्राफ्ट ए रिव्यू ऑफ एनी फिल्म और मूवी, कोई भी फिल्म के बारे में आपको लिखना है, नेम ऑफ द मूवी, डायरेक्टर, कास्ट, टेक्निकल, योर ओपिनियन, ये 5 पॉइंट दे रहे थे उसके बारे में आपको लिखना रहता है। और कभी कभी आपको आ सकता है बुक रिव्यू, क्या आ सकता है, तो ये दो आप ना एकदम याद करके चले जाओ। फिल्म रिव्यू के ऊपर ऑलरेडी मेरे 2 वीडियो अपलोड है, याद कर लो याद। और ये बुक रिव्यू, अगर आपको 4 में से 4 चाहिए तो याद कर लो, या बुक रिव्यू आएगा एग्जाम में या तो फिल्म, लिख देना 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ब्लॉग राइटिंग आपने देखे रहेंगे क्या होता है ब्लॉग राइटिंग, जब आप लोग नेट पे सर्च करते हो ना वही है ब्लॉग, मतलब उसके बारे में बताना। अपील मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, तो मत करो मेरे हिसाब से, फिल्म रिव्यू कर लो, बुक रिव्यू अच्छे से याद कर लो, एक फिल्म रिव्यू 2 पेज याद कर लो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इंग्लिश में आपको याद करने से मार्क्स मिले, मैं बोल रहा हूँ याद करो और मार्क्स लेके जाओ, रट्टा मार लो, ये रट्टा एकदम सेम टू सेम लिखना है, क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में लिख के आएगा तो फिल्म रिव्यू लिख कर आएगा, कोई भी पिक्चर के बारे में लिख सकते हो, तो इतनी अच्छी इंग्लिश अगर है आपकी तो आप डायरेक्ट लिखो, या तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हो उसको याद कर लो पूरा, और बुक रिव्यू का भी एकदम अच्छे से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो एक बार पूरा रिवीजन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A में 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है आप लोग ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज या तो ग्रुप डिस्कशन कर लो, मार्क्स मिल जाएगा। ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, ये तीनों इजी, आपको जो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है वो लिख दो। स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन, तो कंपेयरिंग भी इजी है, एक्सपेंशन में आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, इससे अच्छा अगर आप स्पीच लिखो तो शायद से आपको इंट्रोडक्शन का मार्क्स मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4D में तो आपको रिव्यू ही लिखना है, बाकी सब भूल जाओ। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, कोशिश रहती है आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सके वीडियो के थ्रू, और जो भी PDF होगा ये सारा मेरे पास में, मैं आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको साथ में शेयर कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा। अगर इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।